ये देखिए लग रही है ना बढ़िया मिठाई, लग रही है ना जैसे कोई हलवाई से की बनाई हुई मिठाई है, बाजार से लेके आए हैं हम इसको, पर नहीं हमने इसको घर पे बनाया है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में हमने इसको, तीन इंग्रेडिएंट्स में इसको बनाया है। आप एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको पूरी इसकी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप पता लगे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर में सब खुशहाल होंगे, खुश होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में कुकिंग विद शालिनी में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सा कुछ यमी सा, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, जिसको देख के आपसे रहा नहीं जाएगा बनाए के बगैर, आपको मन होगा कि अभी उठें और अभी फटाफट से बना लें। तो चलिए आज हम बनाते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे एक दूसरे को और बातें करते चैट करते रहेंगे वहाँ पर। तो चलिए अब रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी मिठाई। इसके लिए हमने लिया है 1 कप भरकर मिल्क पाउडर, ये डाल लेंगे अपने बोल में। मिल्क पाउडर हमने कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं, मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है। इसमें हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट आधी कटोरी। डेसिकेटेड कोकोनट कोई भी ग्रोसरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाता है, इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगी, आप परचेस कर सकते हैं। तो आधा कटोरी जो है डेसिकेटेड कोकोनट की डाल देंगे, आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल नारियल लेकर उसको जो है ग्रेट कर सूखे नारियल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही मेजरमेंट रखेंगे, एक ही कटोरी से हमने सारी मेजरमेंट्स रखी है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी, चीनी हमने आधा कप लिया है, आधा कप पीसी हुई चीनी, घर में हमने नॉर्मल चीनी को मिक्सी की जार में डालकर उसको इस तरह से पीस लिया है। तो ये पाउडर फॉर्म में हमने इसको कर लेना है, आधा कप जो है हम चीनी का डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे इसको फ्लेवर वोल बनाने के लिए, हमने ये केसर के कुछ 5-6 धागे लिए हैं, थोड़े से 2-3 चम्मच दूध में हमने इसको जो है भिगो लिया है। दूध को थोड़ा सा हल्का कोसा कर लें और कोसे दूध में इसको 5-10 मिनट के लिए भिगो कर रख लें, तो सारा फ्लेवर जो है केसर का दूध के अंदर आ जाता है। आपके पास केसर ना हो तो आप हरी इलायची भी ले, हरी इलायची का पाउडर ले सकते हैं, हरी इलायची घर में पड़ी होती है, इसको अच्छे से पीस लें, इसका पाउडर बना लें, पाउडर बना बनाया भी बाजार में मिलता है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें जो है फ्लेवर के लिए केसर डाल लें। इसमें बाजार जैसा कलर टेक्सचर देने के लिए और बाजार जैसा चमक देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। ये पिघला हुआ है इसलिए हम 2 डाल देंगे, अगर आपके पास पिघला हुआ नहीं है तो आप 1 चम्मच डालें। तो हमने 2 छोटे चम्मच डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब दूध लेंगे, दूध हमने जो लिया है वो रूम टेम्परेचर पर लिया है, ठंडा दूध नहीं लेना है। तो ये थोड़ा थोड़ा करकर इसमें डालेंगे और इसका एक डो सा बना लेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करकर डालें, 2-3 चम्मच, ज़्यादा डालेंगे तो एक जम दम से जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा। हमने पानी जैसा नहीं बनाना है, हमने आटा सा इसके गूंदना है, डो बनाना है। इस तरह से हाथ से मिलाते हुए डो बना लेंगे, थोड़ा सा और डालेंगे दूध। तो डो हमारा रेडी हो गया है, थोड़ा सा देसी घी हाथ में ले लेते हैं इस तरह से हल्का सा चिकना करने के लिए, और एक बार इसको दोबारा से इस तरह से हर जगह लगा लेंगे इसमें देसी घी। तो लीजिए हमारा डो हो गया रेडी। अब हम इस तरह से लोई तोड़ेंगे, बराबर की नहीं तोड़ेंगे, एक थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, एक थोड़ी सी कम कर, ये जो कम वाली है इसको साइड एक कटोरी, ज़्यादा वाली है इस पर थोड़ा सा येलो कलर का फूड कलर मिक्स करेंगे। आपके पास लिक्विड हो आप लिक्विड मिक्स कर सकते हैं, आपके पास पाउडर फॉर्म में हो आप वो मिक्स कर लें। तो ये 2-3 बूंदें हम इसमें जो है येलो फूड कलर की डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए कलर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया अपने डो के अंदर, आप उतना कलर डालें जिस इस तरह से कलर आ जाए। तो इसको साइड कर लेते हैं। अब हम लेंगे बटर पेपर, ये बटर पेपर है, हम रेक्टेंगुलर पीस एक बटर पेपर का ले लेंगे। आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप फॉइल पेपर ले सकते हैं, फॉइल पेपर भी ना हो तो आप दूध का जो पैकेट होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको धोकर अच्छे से काट कर बीच में से इस तरह से यूज़ हो सकता है। तो अब ये ले लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल जो है स्प्रेड कर, ये हमने कर दिया इसके ब्रश। अब जो हमने रखा था ये वाइट वाला, इसको हाथ से इस तरह से थोड़ा सा रोल करेंगे इसको, और इस तरह से इसको बटर पेपर के ऊपर रखते हुए रोल कर लेंगे। हमने बराबर का रोल करना है सब तरफ से, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रह जाए, इस तरह से बराबर का रोल करेंगे। बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये बन रही है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। तो लीजिए ये हमारी हो गई सेट, साइड से सीधी कर लेंगे इस तरह से, इसको कर लेंगे साइड पे। अब हम लेंगे दूसरा जो हमने फूड कलर मिक्स कर लेंगे और इसका भी इसी तरह से एक रोल बना लेंगे, रोल हमने बिल्कुल बराबर का बनाना है। तो लीजिए ये हमने बराबर का रोल बना लिया, ये आप कट्टे रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये रोल हमने जो है बिल्कुल बराबर का बनाया है। इसको पीछे कर लेंगे
और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे इस तरह से। अब हम एक बेलन लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा वो घी लगाएंगे। बेलन हमारा चिकना हो गया, इसको थोड़ा बेल लेते हैं, इस तरह से बेलेंगे, सब तरफ से बेल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है, आसानी से बेल रहा है। तो लीजिए हमने इसको बेल दिया, ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं। अब ये जो हमने बनाया है ये इसको बीच में रख देंगे, इस साइड से हल्का सा कट कर देंगे दोनों तरफ से, और इसको इस तरह से मोड़ देंगे इसके ऊपर, दोनों साइड से इसको मोड़ लेंगे और इसके ऊपर कर देंगे। ये देखिए इसके ऊपर कर देंगे, एक बार रोल कर लेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से हमने इसको दोनों साइड से लॉक कर लिया, और आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल हमने जो है सील कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, ये पेपर से इसको रोल कर देंगे इस तरह से, ये इस तरह, और आधे घंटे के लिए इसको फ्रीजर में रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं। लीजिए हमारी सेट हो गया है, इसको अब हम कट करेंगे। सबसे पहले हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे इस तरह से, साइड कर लेंगे और इस साइड से भी थोड़ा कट कर लेंगे। अब हम इसको इक्वल टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह, इस तरह बराबर के पीसेस में काटेंगे। बहुत ही सुंदर सी मिठाई बनकर रेडी होती है। तो लीजिए ये हमने बराबर हिस्सों में काट लिया है, इसको साइड कर लेंगे, एक पीस उठाएंगे इस तरह से और इसको भी सेंटर में से काट लेंगे। ये लीजिए इस तरह से, तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल बाजार जैसी। इसको भी काटेंगे इस तरह बीच में से, ये देखिए लग रही है ना बाजार जैसी मिठाई, इतनी बढ़िया हमारी ये मिठाई बनी है। वो भी आप देखें, बिना मावा के, बिना कंडेंस मिल्क के, बिना गैस के हमने इसको बनाया है, और कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इसको अब हम सर्व, लीजिए बढ़िया से मिठाई बनकर तैयार हो गई है, इसको अब हम डेकोरेट करेंगे थोड़ा से बादाम के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है ये, थोड़ा सा इस पर पिस्ता भी लगाएंगे, ग्रीन कलर इस पर बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं इस तरह से, दबा दें हाथ से इस तरह से, तो सब में हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पिस्ता लगा देंगे। तो लीजिए बहुत ही बढ़िया मिठाई हमारी बनकर तैयार हो गई है, बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना गैस, बिना खोए के हमने इतनी जल्दी मिठाई 5 मिनट में हमने बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत ही टेस्टी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसको बनाकर पैक करके डब्बे में रख सकते हैं, बंद कर एयरटाइट कंटेनर में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रखे रहने देंगे तो ज़्यादा देर चलेगी। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार मिठाई बनी है, कभी भी इसको बनाकर आप रख दें और इसको जब आपका मन करे मीठा खाने को आप इसको उठाएँ और खाएँ। बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी है, मेरे इस रेसिपी से ज़रूर बनाकर देखें, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आएगी रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।